फुलाना सीखेंगे। मैंने रोटी डाल दी है और रोटी को जब भी पलटना है जब रोटी पे एक साइड इस पे ब्राउन चित्ती आ जाए, तो आप देख सकते हैं। अब इसे पीछे से अच्छे से सेकना है, फिर बताऊंगी कि रोटी आसानी से कैसे फूल सकती है। अब रोटी को पलटेंगे हम। अब इसको पलटने के बाद ही इसको दबाना नहीं है, पहले ये थोड़ा थोड़ा अपने आप फूलेगी, उसके बाद इसे दबाना है, तो आपकी रोटी काफ़ी अच्छे से फूल जाती है। आप देख सकते हैं कि रोटी कितने अच्छे से फूली है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू। कई लोगों की शिकायत होती है कि उनसे तवे पे रोटी नहीं फूलती है, तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।